चलिए पहले तान देख लेते हैं। सामने लिखा हुआ है तान का मतलब, जो नॉर्मल जो बिगिनर्स लोग हैं उन यही जान लीजिए, कुछ फिक्स सरगम होते हैं कुछ मात्रा कुछ काउंटिंग के हिसाब से जिस स्केल में हम गा रहे हैं। जैसे कल्याण में गा रहे हैं तो कल्याण के स्वरों का एक कंपोजिशन होगा कुछ सरगम का, जो मात्रा के अंदर फिक्स मात्रा के अंदर होगा। जैसे अभी जितने सारे तान आप सीख रहे हैं ये 8 मात्रा के अंदर है, जो बंदिश हम गाएंगे तो इस तान का उपयोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी सरगम को आपको तैयार करना है। तैयार कैसे करना है अभी पहले इस हिसाब से देखिए। पहला है नी रे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा। ओके, आकार में करें डबल ले करें नी रे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा आ। फास्ट करें नी रे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा आ। इस हिसाब से जब इसको रिदम में लेके आएंगे तो और मजा आएगा। अभी सभी तान पहले सीख लें फिर रिदम में मैं गा के दिखाता हूँ। सेकेंड तान है वो क्या है, नी रे ग म रे ग म प ग म प ध प म ग म। म पे एंड कर देना है नी रे ग म रे ग म प ग म प ध प म ग म आ। नी रे ग म रे ग म प ग म प ध प म ग म आ। फास्ट करें चौगुन नी रे ग म रे ग म प ग म प ध प म ग म आ। तान नंबर 2 था ये, ऐसे तैयार कर लेना है। तान नंबर 3 में हर एक ऑक्टिव का तान है, हर एक सप्तक ऊपर से नीचे से मिडल से, तो ये बहुत फायदा करने वाला है। तान नंबर 3 है पा म ग म प ध प म ग म ग रे नी रे सा प म ग म प ध प म ग म ग रे नी रे सा आ। फास्ट करें प म ग म प ध प म ग म ग रे नी रे सा प म ग म प ध प म ग म ग रे नी रे सा आ। अब तान नंबर 4 देखेंगे क्या है प ध नी रे सा नी ध प सा प ध नी रे सा नी ध प सा नी ध प म ग रे सा आ। दोगुन करें प ध नी रे सा नी ध प सा नी ध प म ग रे सा आ। नी रे सा नी ध प सा नी ध प म ग रे सा आ। प ध नी रे सा नी ध प सा नी ध प म ग रे सा, ऐसा तैयार हो जाएगा। लास्ट तान तान नंबर 5 तार सप्तक में जाएगा, ऊपर का नोट लगेगा। कैसे है ऊपर का नी, ऊपर का रे और ग का प्रयोग है, यहाँ इस नी से शुरू करना है नी रे ग रे नी रे सा नी सा नी
निरे करे निरे सानी सानी धापा मगरे सा आ फास्ट करना है निरे करे निरे सानी सानी धापा मगरे सा निरे करे निरे सानी सानी धापा मगरे सा आ इस हिसाब से तान गाने का चलन ऐसा है कि फास्ट ही गाया जाता है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ तीन लय में, ऐसा करने से आपका आगे बहुत सारा प्रॉब्लम जो प्रोफेशनल स्टाइल में लोगों को आ जाता है वो नहीं आएगा और बेहतर तरीका से आप कर पाएंगे हर एक चीज़। अब जितने सारे तान हमने गाए हैं इन सारे तान को हम रिदम में करेंगे, तो रिदम का इफेक्ट क्या हुआ, रिदम में आप चाहे तो तीन लय में करें चाहे तो एक ही लय फास्ट करें। मैं किसी एक तान को तीन लय में करता हूँ, बाकी तान को चारों लय में करके दिखाता हूँ चौगुन लय में, देख लीजिए कैसे। आइए देख लेते हैं, हर एक तान को मैं दो स्पीड में गा के आपको रिदम के साथ दिखाता हूँ, आपको भी इसी तरीका से दो स्पीड में आपको रियाज करना है, परफेक्शन लाना है, इसका यूज होगा आगे बहुत जाएगा। डबल डबल स्पीड में पहला तान दोगुन और चौगुन, दोगुन और चौगुन लय, ओके। आगे जब आप बंदिश सीखेंगे, बंदिश के बोल इस प्रकार से आपको मिलेंगे, बंसिया बजावत श्याम सुंदर बा, तब ये तान जब उसमें सेट होगा तो मजा आएगा गाने में। कैसे, हर एक तान को ऐसे ही सेट करना है। ये अभी जो मैं सरगम गुनगुनाया हूँ बंदिश का, इसमें अभी नहीं पढ़ना है, जो लोग नहीं सीखे हैं आगे मिलने वाला है, लेकिन जब सीखेंगे तो कितना आनंद से बजेगा ये मैं एक झलक दिखाता हूँ। जैसे आधा बंदिश का लाइन गाएंगे और आधा में तान एड करेंगे चौगुन लय, कैसे होगा वो। बंसिया बजावत रे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा, बंसिया बजावत इसी हिसाब से। अभी तान देख लेते हैं, तान नंबर दो, दो लय में कैसे गाएंगे। सभी तान को मैं दो दो स्पीड में गा के सुनाता हूँ सरगम और आकार में, ऐसे ही रियाज करेंगे ताकि आगे इसका सही उपयोग आप कर सकें प्रोफेशनल स्टाइल में, ओके। पहला तान है, ऐसे पहले गाना है स्पीड में, नीरे गामा का ना पामा गामा पामा गरे सा
सरगम में भी गाएं, आकार में भी गाएं, एक बार बिना बजाए हुए भी गाएं, ताकि वो सही मेलोडी जो बना उसका वो आप सुन सकें। इससे क्या हुआ कि आपका मेलोडी एकदम राइट होगा और एकदम सही मेलोडी में आप गा पाएं, जैसे मैंने अभी किया। कैसे किया? तान तैयार कर रहे हैं। ओके, तान नंबर चार देखना, क्या है ये? पहले एक बार ऐसे बजा लें, सुलो में पहले बजा लें ताकि मेलोडी सही हो जाए। पहले बजा के करेंगे सोलो में, फिर उसको गा के करेंगे। कैसे होगा? ताल के साथ गा के नत्ती नक्के दिन, गा के नत्ती नक्के दिन। परफेक्ट तान की तैयारी होगी। पहले क्या करना है? स्लो बजाना है पहले बिना गाए हुए, फिर उसको स्लो में गाना है, फिर एक बार बजा के उसी को आकार में गाना है सरगम के बाद, फिर फास्ट प्ले करना है विदाउट सिंगिंग, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से उसको गाना है सरगम में और आकार में। ऐसा हर एक तान को करना है तैयार। ये आप करके रखिए, बंदिश जब मिलेगा तो बंदिश के साथ ऐसे तान को ऐड कर दीजिएगा। बंदिश का कुछ ऐसा लाइन आप लोग को मिलने वाला है, बंसिया बजावत श्याम सुंदर बा, तान जो एड होगा तो ऐसा मजा आएगा गाने में। बंसिया बजावत निरगम पद पम गम पम गरि सा, बंसिया बजावत निरगम रिगम पगम पद पम गम, बंसिया बजावत पम गम पद पम गम गरि गिरि सा, बंसी इस हिसाब से पूरा बंदिश नोटेशन के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। तब तक इसका प्रैक्टिस करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।